तो फाइनली यहाँ पर हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर हो गई है तैयार। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंडिताइन की रसोई। और मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है आम की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी, उंगली चाट चाट कर खाएंगे आप इस चटनी को। तो चलिए, आम की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 आम लिए हैं, जो कि मीडियम साइज के हैं, आप कोई भी आम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच गुड़ लिया है, यहाँ पर आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ की जगह। बात करते हैं मसालों की, तो मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, हींग, काला नमक, सादा नमक, मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर हमने खड़ी मिर्च को 4 टुकड़ों में तोड़ लिया है, राई, सौंफ, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन और कुटा हुआ धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम आम लेंगे, इन्हें हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है कपड़े से, और अब हम इन्हें छीलेंगे। तो सभी आम को आपको छील लेना है, किसी भी छिलने की सहायता से या चक्कू की सहायता से आप इन्हें छील सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी आम को छील लिया है, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काटना है, क्योंकि यहाँ पर जो आम का लिक्विड रहता है उसका हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कद्दूकस लेना है। यहाँ पर मेरे पास 2 कद्दूकस है, एक बड़े छेद वाला और एक छोटे छेद वाला, तो मैं छोटे वाले का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े वाले का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे वाले से किसने से बहुत ही अच्छे बारीक बारीक एक तो इसके रेशे निकलेंगे, प्लस जो चटनी है वो बहुत ही अच्छा दिखेगी भी और खाने में टेस्टी भी लगेगी। तो अब मैं इनको किस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक आम को किस लिया है, पहले आप इसका रेशा देख लीजिए, क्योंकि मैंने बारीक वाले कद्दूकस से किसा है इसलिए इसके कितने बारीक बारीक रेशे हैं। इसी तरीके से हम सभी आम को किस लेंगे, और जो ये गुठली है इसको आपको अलग कर देना है। साथ ही अगर आपको किसना नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत से बचना चाहते हैं, तो आम को काटकर उसके बीच से गुठली निकालकर इसके छोटे टुकड़े करके आप किसी भी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी आम को मैं किस लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमने आम को किस लिया है, और आप इसके रेशे एक बार और देख लीजिए, और जो गुठली निकली है वो मैंने अलग कर ली है, इसको हम अलग रख देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो आम को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसको हम ऑन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हम किसी भी रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आज हम ले रहे हैं सरसों का तेल। आप किसी भी ब्रांड का सरसों का तेल ले सकते हैं, और इसको फैलाकर डालेंगे, और इसको आपको गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और धुआं निकलने के बाद, क्योंकि सरसों के तेल का बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर होता है, हमें उसको अलग करना है। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे धुआं निकलने के बाद, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो तेल है वो गर्म हो चुका है और वो धुआं छोड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो इस स्टेज पे आप चाहें तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें तेल को ठंडा करना है। अगर आप गर्म तेल में मसाले डालेंगे या तड़का डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो कढ़ाई है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। तो जो कढ़ाई है वो हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और तेल में से धुआं निकलना बंद हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का। तड़के के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ जीरा, राई, मेथी, सौंफ, अजवाइन और खड़ी लाल मिर्च के छोटे से टुकड़े, और 2 पिंच हींग। यहाँ पर हमने सभी गर्म चीजों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आम खट्टा होता है और खटाई को ये सभी चीज बैलेंस करेंगी। तो अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आम जो हमने किस के रखा था, क्योंकि तड़का यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं है वरना जले हुए का टेस्ट आएगा। आम को हम ऐड कर देते हैं। आम को ऐड करने के बाद इसको हमें चलाना है, मिक्स करना है तड़के को आम में, और धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा, कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए, गैस की फ्लेम बिल्कुल आपको लो रखनी है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आम को अच्छे से हमने चला लिया है और इसको थोड़ा सा हमने पका लिया है, मुश्किल से 15 सेकंड। अब यहाँ पर हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में सबसे पहले हम ले रहे हैं नमक, नमक आपको लेना है स्वाद अनुसार। इसके बाद हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर और गरम मसाला, काला नमक, काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और कुटा हुआ धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इन सभी को मिक्स करना है अच्छे से। तो सभी हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे गुड़। तो अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो गुड़ की मात्रा घटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच गुड़ लिया है, इसको हमें मिक्स करना है और गुड़ को मेल्ट होने तक हमें चलाते रहना है।
और गैस की फ्लेम आपको धीमी रखनी है। ये देखिए थोड़ी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे और आपको कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना आपकी चटनी नीचे तली में चिपक जाएगी और वो जल जाएगी। इसलिए हमें चटनी को पूरे टाइम चलाते रहना है। यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और चटनी देखिए वो बिल्कुल भी तली में चिपक नहीं रही है, अपने आप वो अलग हो रही है कढ़ाई से। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर हो गई है तैयार और हमने इसे एक बाउल में भी सर्व कर लिया है। आप इसे चाहें तो 1 हफ्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर वाले बॉक्स में सेव करके रख सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रखिएगा, 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें सारे सूखे मसालों का प्रयोग किया है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर हो गई है तैयार और हमने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप चाहें तो आम की चटनी को 1 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये 1 हफ्ते भर चलेगी और खराब भी नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें सारे सूखे मसालों का प्रयोग किया है और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो देखा आपने कैसे हम घर पर ही घर के सामान से 10 मिनट के अंदर आम की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।